क्या आप जानते हैं दुनिया में हर साल लगभग 30 लाख लोगों की मौत शराब के व्यसन के कारण होती है। मणिपाल वार्थुर हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर पल्लवी जोशी हूं। आज हम शराब के व्यसन के बारे में बात करेंगे। अल्कोहलिज्म या शराब का व्यसन एक ब्रेन की बीमारी है, एक ऐसी ब्रेन की बीमारी है जहां मरीज को पता होता है कि अगर मैं बार बार अल्कोहल लूं या अगर शराब का सेवन करूं तो मेरे लिए हानिकारक है हर चीज़ के लिए, बट उसके बावजूद भी उसका सेवन वो रोक नहीं पाता। तो एक क्रॉनिक जो बोलते दीर्घ स्वरूप की बीमारी है और जो बार बार होती है, रिलैप्सिंग है। अब दारू करती क्या है? ब्रेन के कुछ मैसेंजर्स को रिएक्ट करती है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स से रिएक्ट होती है और जो कुछ छोटे छोटे वहाँ पे सेंटर्स है उनसे भी रिएक्ट करती है। उससे क्या होता है, रुग्णों को ये फीलिंग आता है कि मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, मेरे टेंशन्स कम हो रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद ये लगता है इसका इफ़ेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और अगर मैंने इसका सेवन छोड़ दिया तो मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही, झटपटाहट हो रही। इस तरह से एडिक्शन डेवलप होता है, इस तरह से कोई व्यसन डेवलप होता है। हम में से कई लोग सोशल ड्रिंकर्स होते हैं, जैसे पार्टियों में पीते हैं, सोशल फंक्शंस में पीते हैं, उनको एडिक्शन नहीं बोला जाता। एडिक्शन कब बोलेंगे हम? ये सोशल ड्रिंकिंग जब रोज़ाना हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, धीरे धीरे धीरे। दूसरा, रोज़ दारू पीने की इच्छा हो रही है। अगर मानो कोई बियर पीता है, उसको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे सेम डिग्री ऑफ इफेक्ट चाहिए, किक चाहिए, तो मुझे एक तो बियर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, या मुझे स्पिरिट की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। सो मुझे बियर से स्विच होना पड़ेगा वोडका पे। सो एक तो मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा बियर की कि मुझे किक आए, या क्वांटिटी सेम रखते हुए अगर मुझे ये लगे मुझे उसके स्ट्रॉन्ग किक चाहिए तो मैं एब्सोल्यूट स्पिरिट पे शिफ्ट होऊंगा, जैसे वोडका हो गया, रम हो गया, उधर शिफ्ट होऊंगा। ये एक क्राइटेरिया हुआ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे जो पहले किक मिलती थी वो तो मिलेगी नहीं, मतलब टॉलरेंस आ गया। और किसी दिन, जैसे बहुत सारे लोग श्रावण में नहीं दारू पीते, कभी अगर घर चले गए, कोई नेटिव चला गया, उधर नहीं पीता, तो विड्रॉल सिम्टम्स आते। विड्रॉल मतलब क्या? झटपटाहट होना, कि मेरा ब्रेन वो क्रेव कर रहा है, कुछ मांग रहा है, उसकी रोज जिसकी आदत पड़ गई है, अगर वो नहीं मिलता तो क्या होगा, मुझे नींद नहीं आएगी, धड़कन तेज़ होगी, बहुत एंग्शियस लगेगा, मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। और अगर मुझे तीव्र स्वरूप का डिपेंडेंस है तो ऐसे केसेस में फिट भी आ सकती है, या पेशेंट को कन्फ्यूजनल स्टेट भी आ सकता है, जिसको हम डेलीरियम बोलते हैं। वो कहाँ है वो समझेगा नहीं, सीलिंग पे कुछ लोग चल रहे हैं ऐसे उसको लगेगा। ये कुछ सिम्टम्स है। इसके अलावा क्या होता है, जब अल्कोहल से मोस्ट ऑफ द टाइम हर डोमेन में कुछ ना कुछ सफरिंग चलते रहता है, वर्क पे कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है, फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है, फाइनेंशियली मोस्ट ऑफ द पेशेंट स्पेंड लॉट ऑफ अमाउंट, बहुत सारा पैसा उधर जाता है, और महत्वपूर्ण क्या है तो शारीरिक। कई बार फिजिशियंस हमको भेजते हैं जब उनको पता चलता है कि लीवर बड़ा हो गया है, और पेशेंट को तब तक नहीं लगता कि मुझे अल्कोहल की आदत पड़ी है। तो कई बार ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं जो पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि मुझे लट है, लेकिन उनका शरीर बोलने लगता है, जैसे उन्होंने लीवर खराब हो रहा है या गैस्ट्राइटिस बहुत हो गया। ऐसे भी सिम्टम्स से कई बार रुग्ण हमें मिलने आते हैं। फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट अल्कोहलिज्म। तो क्या होता है, अगर घर पे हम पूछते किसी और को शराब की लत है क्या, तो पापा को है, भाई को है, अंकल को है, तो जेनेटिकली भी वो इंसान बहुत रिस्क पे है। उसके रिसेप्टर्स जो है ऊपर के कुछ सेंटर्स है वो ऑलरेडी अपरेगुलेटेड है, उनका जो रेगुलेशन है वो नॉर्मल नहीं है, तो उस इंसान को शराब की लत लगने की चांसेस, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रहता है, कुछ पर्सनालिटीज़, देर आर सम पर्सनालिटीज जो हम बोलते हैं नेचर है, स्वभाव है, आउटगोइंग रहते हैं, नॉवेल्टी सीकिंग रहते हैं, उनको नया कुछ करना रहता है ज़िंदगी में, रिस्क टेकिंग रहते हैं, ऐसे लोगों में भी शराब का लत लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। आज हम बोलते हैं कि भारत में 14 मिलियन लोगों को अल्कोहल का शिकार माना जाता है, उसमें से 60% लोगों की दारू लेने की शुरुआत, व्यसनाधीनता की शुरुआत
लेस देन 25 ईयर ओल्ड में होती है, 25 साल के पहले, जो बहुत मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ अल्कोहलिज्म माना जाता है, जो हमको ट्रीट करना मुश्किल माना जाता है, उसमें कैसे शुरुआत होती है? तो जेनेटिक तो रहता ही है रिस्क, वो हम डिनाई नहीं करते, लेकिन पीयर प्रेशर होता है। अगर मैं पार्टियों में जा रही हूँ, अगर मैं टीनेजर हूँ, तो बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं लेके देखो एक बार ट्राई करो, वो प्रेशर को रेजिस्ट करना कठिन होता है, तब होती है तकलीफ। कोर्स लोड, कई बार लोग बोलते हैं इतना स्ट्रेस है मेरी लाइफ में, इतना ज़्यादा कोर्स लोड है, कुछ तो भी मुझे स्ट्रेस रिलीफ अच्छा वाला फील आता है, क्योंकि वो जब अल्कोहल रिएक्ट होता है ऊपर, तो एक डिसइनहिबिशन का फीलिंग आता है, रिलैक्सेशन का फीलिंग आता है, जो मुझे अच्छा लगता है। अब वो अच्छा लगता है, इसके लिए वो अपना कोपिंग मेकैनिज्म बन जाता है कि कभी भी टेंशन आया तो मैं ले लूँ, और किसी की भी लाइफ इधर टेंशन फ्री नहीं है, तो कई बार वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है एडिक्ट बनने का। अल्कोहलिज्म का बिल्कुल इलाज किया जा सकता है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है इस चीज़ में, पेशेंट का मोटिवेशन। छोटी बातें जो हम कहते हैं ना, कि अगर थोड़ा सा वज़न बढ़ता है, हम लोगों को निकालना मुश्किल जाता है, तो ये कहीं तो भी फैमिली ने भी जानना ज़रूरी है कि पेशेंट का वो सर्किट बहुत स्ट्रॉन्ग है एडिक्शन का। हम जब इतना सा वेट लॉस के लिए डाइट करना मुश्किल मानते हैं, तो एडिक्शन का सर्किट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। बट हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, दिस बैटल इज़ वर्थ फाइटिंग, कि आप अगर करोगे इसको फाइट तरीके से, तो आगे का लाइफ काफ़ी आसान होने वाला है। तो हमको भी पेशेंट को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, पेशेंट को खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, और फैमिली का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए साइकोथेरेपी का रोल है एक। बट जैसे ट्रीटमेंट देते हैं हम अल्कोहलिज्म की, दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। जब पेशेंट अल्कोहल स्टॉप करता है, तो क्या है, अल्कोहल एक CNS डिप्रेसेंट है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नीचे रख रहा है। तो अगर हमने अल्कोहल उड़ा दिया, तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी की स्टेट आ सकती है, रुग्ण सोएगा तो नहीं, बट सीजर आना, कन्फ्यूजनल स्टेट आना, ये सब पॉसिबल है। तो हम ऐसे दवाइयाँ देते हैं पहले 10 दिन पेशेंट को, कि उसको शांत लगे, उसको नींद भी आए, उसका विड्रॉल कम हो, जो झटपटाहट है वो कम हो। उसके लिए अपने पास बहुत प्रभावी मेडिसिन है, उसका यूज़ हम कर सकते हैं। दूसरी बात, उसको मल्टीविटामिन देने पड़ते हैं, अल्कोहल से उसका भी एब्सॉर्प्शन बहुत कम होता है, और अगर हमने दवाइयाँ दी सिर्फ और मल्टीविटामिन नहीं दिए, तो उसके भी दुष्परिणाम मिलते हैं। तो ये हो गई पहली फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा जो है, जब पेशेंट को रिहैब वाली फेज़ आती है, ये ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जो अंदरूनी इच्छा है उसको मारने की, मुझे दारू पीना है बट कुछ सर्कमस्टेंसेस से मैं नहीं पीना चाहता हूं, तब क्या करते हैं, तो अपने पास एंटी क्रेविंग एजेंट्स भी है। एंटी क्रेविंग का क्या मतलब है, मेरी डिज़ायर को भी कम करें, ऐसे भी अपने पास दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या होता है, व्यसन मुक्ति केंद्र, जिसको हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बोलते हैं, बहुत सारे पेशेंट को लगता है मुझे उधर नहीं जाना है, कि उधर जाके मैं क्या करूँगा, बट व्यसन मुक्ति केंद्र सिर्फ कंट्रोल्ड सेंटर्स नहीं है, जहाँ पे अल्कोहल अलाउड नहीं है, बट क्या होता है, वही शामें, वही दीवारें, वही मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स, वही रूटीन लाइफ, उससे भी पेशेंट्स को, रुग्ण को दारू पीने की उस टाइम इच्छा होती है, उसको भी एक ब्रेक मिलता है व्यसन मुक्ति केंद्र में। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है, जहाँ पे एक्सरसाइज कराते हैं, योगा कराते हैं, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट तो कंट्रोल्ड है ही, और आप समदुखी लोगों को मिल रहे हो, जो आपके साथ एक फाइट में है, जो एक मिशन से उधर है कि हमको अल्कोहल छोड़ना है, तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। अगर हमने OPD बेसिस पे जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, वो अगर फेल होते तो वो एक अच्छा माध्यम है। तीसरी बात क्या है, अल्कोहल एनोनिमस करके एक सुंदर ग्रुप है, जो बाहर शुरू हुआ था, वेस्ट में शुरू हुआ था, और आज इंडिया में हर सिटी में उसके कई ब्रांचेस है। अल्कोहल एनोनिमस और हम में क्या अंतर है, फैमिली मेम्बर्स जब बोलते हैं, जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप दारू क्यों नहीं छोड़ते, मैं आपको हर तरह की मदद कर रही हूँ, रुग्ण हमें क्या बोलते हैं, आप कभी गए हो क्या उस लत से, आपको पता है कि हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? हाँ, उसका उत्तर है, अल्कोहल एनोनिमस वो लोग हैं जो कभी एडिक्स थे, और आज उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एडिक्स नहीं रहेंगे। वन डे सोब्राइटी उनका रूल होता है, वो कल की भी बात नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, आज सिर्फ हम दारू नहीं पीएंगे। ऐसे करते करते अल्कोहल एनोनिमस सालों साल जिंदगी बिना दारू के बिताते हैं, और वो क्यों ठीक है, क्यों, वो आपका बैटल वो जानते हैं। आपको जब स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए अल्कोहल, वो आपको मदद कर सकते हैं कि इसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। वो दवाइयाँ नहीं देते, वो डॉक्टर्स नहीं होते, लेकिन साइकोथेरेपेटिक मेथड्स वो ज़रूर आपको दे सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, फैमिली मेम्बर्स ने ना एक अच्छा एटीट्यूड रखना, ये कहना आसान है, करना कठिन है, मैं जानती हूँ, बट ये आवश्यक है। अगर आपका रुग्ण एक दिन भी दारू नहीं पी रहा, प्रेस करो उसको, उसको बोलो कि हाँ अच्छी बात है। शाम को अगर जिस टाइम क्यूज ऑपरेट हो रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक टाइम जब लग रहा है कि उसको तकलीफ हो रही, बाहर निकलो घर से,
जो मदद पॉसिबल है वो करो। और क्या करते हैं हम पेशेंट्स में, कुछ और मेथड्स है, जैसे हम बोलते हैं कि यू नो एवर्जन मेथड, अल्कोहल को इमेजिन करो कि यू नो काउडंग के साथ, लेने की इच्छा नहीं होती पेशेंट को, ये एवर्जन मेथड होगी। समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव एडिक्शंस, कुछ पेशेंट का एडिक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव एडिक्शन, मतलब पेंटिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, म्यूजिक हो गया, कि जिसमें लट अगर लगनी है तो हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों की भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अंत में ये ज़रूर बोलूँगी कि एल नॉन एंड एल टीन ये सुंदर ग्रुप्स है, वो क्या है, वो आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो पेशेंट्स के लिए नहीं है, जो अल्कोहल से के अधीन जो रुग्ण हैं उनकी बीवी और बच्चों के लिए ग्रुप्स बनाए हैं, उनके भी चैलेंजेस अलग होते हैं, उनके साथ मिलके काम करना काफ़ी बार आसान पाया जाता है, वो चैलेंजेस डिस्कस करते हैं, वो सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। तो अल्कोहल एक बैटल है जो हम कह सकते हैं, जो पेशेंट के पूरे अधीन नहीं है, तो उनको जो हम बोलते हैं कंपैशन की ज़रूरत होती है, ये भी रुग्णों को ये सोचना गलत होगा कि ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। जो टिपिकली मैं पेशेंट को बताती हूँ कि यू नो आपका हस्बैंड अगर रोज़ नाइट को पी के आ रहा है और सुबह आपसे माफ़ी मांग रहा है, बच्चों को पास लेके रो रहा है, तो दोनों ड्रामा नहीं है, कभी भी ड्रामा नहीं था, उसका हेल्पलेसनेस है कहीं, जो मिलके हम इकट्ठा फाइट कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन आगे लेके जा सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ऐसे हम कहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप पार्टीज़ में भी जा रहे हो जहाँ धीरे धीरे रिसेप्टर्स अपरेगुलेट होने का चांस है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। एक, थोड़ा लेट पहुँचे पार्टी में, कुछ खा के आपको ड्रिंक लेना है तो लीजिए, अल्टरनेटेड विथ सॉफ्ट ड्रिंक, यू नो एक के बाद एक हार्ड ड्रिंक पीना ज़रूरी नहीं है, ये बस अब हमने खुद के लिए रूल डिसाइड करना है। नो ड्रिंक गेम्स, नो शॉट्स, उनको नहीं बोलना सीखना है, आपका ड्रिंक अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, और आइडियली क्या होता है मैं लेट शुरुआत करके जल्दी फिनिश करूँगा, ये एक एक रूल हम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा है अपनी कंपनी सिलेक्ट करना, ये अपने हाथ में, मेरे फ्रेंड सर्कल में डिसाइड करूँगा कि किस तरह से सिलेक्ट करूँगा, जो फ्रेंड्स अच्छी आदतों के अधीन है मैं उनके साथ ज़्यादा रहना पसंद करूँगा। अगर कोई शराब लेता है उससे वो बुरा नहीं होता, लेकिन जब तक हमारा मटका पक्का नहीं, जो हम बोलते हैं कि टीन एज में हो, अगर ऐसे एज में हो जहाँ आप इन्फ्लुएंस होने का ज़्यादा चांस है, उस टाइम अपनी कंपनी मैटर करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरी बात ये हुई। तीसरा, लर्न टू से नो, ये बहुत ज़रूरी है, हमने अपने बच्चों को सिखाना, कई बार हम नहीं बोल पाते, और ये नहीं जब हम नहीं बोल पाते, कई चीज़ें ऐसी कर लेते लाइफ में जो हमारा जहन या हमारा कंसर्न्स हमको अलाउ नहीं करता, तो वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। चौथा, गोल सेटिंग, जो ध्येयों की आवश्यकता है, अगर हमने अच्छे ध्येय को खुद को रखा है सामने, तो कई बार हम ये छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन से दूर भागते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पांच, प्रेयर्स हो गए, मेडिटेशन हो गया, एक लाइफस्टाइल चेंज है जिसमें क्या होता है बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, अपने आप भी बदल घटते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे मूवीज़ देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बोर्डम की वजह से भी अल्कोहल लेते हैं, ये कई बार बताया, मैडम मैं ये नहीं लूँगा तो क्या करूँगा शाम को, करने के लिए बहुत चीज़ें हैं जो हम बहुत पहले से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बेसिक लाइफस्टाइल चेंज, अगर हम एक्सरसाइज ठीक से कर रहे, कई बार पेशेंट खुद बोलते हैं कि मुझे 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी वो एंडोर्फिन रश आता है जो मुझे अल्कोहल से नहीं आता है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत पहले से हमने बताने हैं रुग्णों को। गेट इनटू रियल लाइफ एडवेंचर्स, ट्रेकिंग हो सकता है, रियल लाइफ वर्ल्ड हमको देखना है, बस चार दीवारों के बीच नहीं रहना है, बाहर जाके भी बहुत कुछ देखने लायक है, जो जिससे भी अच्छी कुछ हाइक आ सकती है। तो जो कहा जाता है कि गेट हाई ऑन राइट थिंग्स एंड लाइफ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अल्कोहल के अलावा भी हाई मिल सकती है अगर हम अपनी लाइफ को उस तरह से डिज़ाइन करें, तो उस तरह से अगर पहले से एफर्ट डालें तो बहुत पॉसिबल है।